वहीं नतीजे आने के छठे दिन रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। वहीं पीएम के अलावा 60 मंत्री भाजपा और 11 अन्य दलों के हैं। वहीं शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। वहीं 5 कैबिनेट कुर्सी गठबंधन को दी गई है। इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, वहीं जेडीयू के ललन सिंह और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, वहीं जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी और एलजेपी के चिराग पासवान शामिल है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री है। वहीं पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं शामिल है। पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं शामिल थी। सबसे युवा टीडीपी के राम मोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग 79 साल के जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में शुरू से ही भाजपा में रहे 41 लोगों को मंत्री बनाया गया। वहीं कांग्रेस या अन्य पार्टियों से भाजपा में आए 13 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं 4 ब्यूरोक्रेट्स भी मंत्री बने हैं। वहीं 7 राजनीतिक पारिवारिक से आने वाले लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है।